बिहार में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री तक रिकॉर्ड हो चुका है। गर्मी से लोगों में त्राहिमाम मच गया है। भीषण गर्मी के कारण कई राज्यों में स्कूल बंद हैं, लेकिन बिहार में इस गर्मी में विद्यालय खुले हैं। वहीं इस बीच सरकारी विद्यालयों में कई बच्चों के बेहोश होने की खबर भी सामने आई। पहली खबर बाढ़ से सामने आई, जहां घोसवारी प्रखंड के कुर्मीचक मध्य विद्यालय में अचानक 6 बच्चे बेहोश हो गए और जमीन पर गिर पड़े। एक साथ 6 बच्चों के बेहोश होते ही स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में गंभीर रूप से बीमार 10 वर्षीय मुस्कान कुमारी को पास के समयागढ़ में एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। शेष 5 बच्चों को स्कूल में इलाज कर घर भेज दिया गया। मुस्कान कुमारी को बेहतर इलाज के लिए घोसवारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर नवल किशोर बैठा ने एम्बुलेंस रवाना कर दिया है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के कारण यह हादसा हुआ है। अत्यधिक गर्मी को देखते हुए सभी स्कूलों में ORS भेजने का सख्त आदेश दिया गया है। यहाँ हर दिन की तरह आज तारीख 29/5/2024 को हर दिन क्लास चालू हुआ जी। और समय के अनुसार बच्चे क्लास में ही बेहोश होना, करीब 9 बजे के आसपास बच्चे बेहोश होना शुरू हो गए। उस दौरान बच्चे को लाया लगा के नीचे पंखा के नीचे रखे, फिर उन्हें घोल दिया गया। इलेक्ट्रोल पाउडर, चीनी, पानी, नमक का घोल बनाकर बच्चे को दिया गया। उसके बाद उन लोग और सारे बच्चे ठीक हो गए, लोगों को घर भेज दिया गया। किन्हीं से गार्जियन को बुलाया गया, किस बच्चा को बोला बगल का था तो नहीं चला गया। उसके बाद एक बच्ची का तबीयत ज़्यादा खराब हो गया, वो यहाँ संभल नहीं रही थी, इस कारण उसे सम्यागढ़ हॉस्पिटल में भर्ती किए। कौन सा हॉस्पिटल है? सम्यागढ़ हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती किया गया। तो अभी बच्चे की क्या कंडीशन है? बच्चा का कंडीशन अभी ठीक है, मैं अभी देख कर आई हूँ। उस समय भी 2-3 टीचर को भेजे थे साथ में, तो उस समय पानी चढ़ाया गया, उसको पानी चढ़ाने के बाद BP नापा गया, उसके बाद उसको पानी चढ़ाने के बाद तबियत ठीक है, अभी बोलचाल कर रही है, ठीक है। उसको कुछ देर और बोले डॉक्टर कि रखेंगे। कितने बच्चे बेहोश हो गए थे? 6 बच्चे बेहोश हुए थे, जिसमें से 5 का हालत ठीक हो गया, एक का बच्चा का तबियत ज़्यादा खराब हो गया, इस कारण उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और उसको पानी चढ़ाया गया। अभी सभी बच्चे ठीक है ना? हाँ, सभी बच्चे ठीक है। वहीं दूसरी खबर मुंगेर से सामने आई, जहां मुंगेर में अचानक कई स्कूलों में बच्चे बेहोश होने लगे, कईयों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक बच्चों को निजी और सरकारी अस्पताल ले जाया गया। गर्मी बहुत था, फैन नहीं था, फैन वाला आया तो मैं बोलती तुम लोग तो पहले क्लास का बैच करके गया, अब तुम लोग गर्मी में रहोगी, ऐसे बोल के मैम भगा दी पंखा वाले को। कौन मैम का नाम क्या? रजनी गुप्ता। तो फिर क्या हुआ? फैन वाले फिर चले गए, मैम कुछ नहीं बोली। 2 बार चक्कर आया, मैम को बोले, मैम बोली जाओ जाके जहाँ बैठना बैठ जाओ। फिर बाद में ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, फिर याद नहीं कुछ। 6 बजे से 12 बजे तक बच्चे बेहोश हुए, गए तो बच्चे लोग दौड़ के स्कूल के आए थे, आके बोल रहा है कि देखिए ना पापा से अलीजा जो है बेहोश हो गए। तो इधर से दौड़ के गए तो देखे वो इस बेंच पे वो लेटी हुआ है। वो लोग हेड मास्टर लोग पानी मार रहा, तो पूछे तो क्या बात है भाई, तो बेहोश हो गया। तो उसको हम बोला भी ये बच्चा गर्मी में ये पंखा एक पंखा में कैसे रहेगा। फिर बाद में देखे कि बच्चा का खुद हालत खराब हुआ, तो हम उधर तुरंत वजीम उठा कर लेके वापस चले गए डायरेक्ट इधर हॉस्पिटल आए। तो ये 8 क्लास में, 8 क्लास में बताया जा रहा है कि अभी तक कई विद्यालयों में 2 दर्जन से अधिक बच्चों के साथ इस तरह की घटना सामने आई। प्रधानाचार्य ने बताया कि गर्मी और उमस को कारण। बाढ़ से संजीव कुमार और मुंगेर से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।